जानने की दृष्टि से, कुछ लोगों को महान पुरुषों के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनका संघर्ष कैसा रहा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में। तो इनके जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से थे और इनके पिता जो है वो रामजी राव नाम था उनके पिता का। रामजी राव जो ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे, एक सूबेदार के पद के ऊपर थे। बाद में नौकरी के सिलसिले में ये आ गए थे इंदौर के महू के अंदर, महू जहां से हमारे राजस्थान में एक नदी भी प्रवेश करती है, इंदौर महू के अंदर आ गए थे। और वहीं पर इंदौर महू के अंदर ही 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया भीमराव। 14 अप्रैल 1891 भीमराव जो थे वो अपने पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन इनमें से सिर्फ दो भाई और दो बहन ही बचे थे, यानी जब बाकी की मृत्यु हो गई थी तो 14 संतान 14वीं